हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीबीएम सेमेस्टर 3 ज्योग्राफी ऑनर्स कोर 5 का बीबीआई क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो यदि आप बीबीएम के यू से हैं या अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो भी आपके लिए क्वेश्चन बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं बीबीयू और बीबीएम के यू का जो सिलेबस रहता है वह सेम रहता है। तो आज मैं जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा, यदि आप उन सारे प्रश्नों को कर लेते हैं तो एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, और आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलते हैं, हम लोग समय को बर्बाद किए बिना पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैव भूगोल को परिभाषित करते हुए उसके कार्य क्षेत्र का विवरण दीजिए। तो आपको जैव भूगोल को परिभाषित करते हुए उसके कार्य क्षेत्र का विवरण देना है, ठीक है। इस प्रश्न का आंसर मैंने पहले ही चैनल में अपलोड कर दिया, आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं और अच्छा इसका नोट प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैव भू रासायनिक चक्र से क्या आशय है। जैव भू रासायनिक चक्र में सम्मिलित प्रमुख चक्रों का संक्षेप में उल्लेख कीजिए। तो इस प्रश्न का भी आंसर इस चैनल में जल्द ही अपलोड हो जाएगा, ठीक है, आज शाम तक या कल शाम तक मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप इन सारे प्रश्नों को नोट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है, घास के मैदान बायोम की विशेषताओं का विवरण दीजिए। तो आप इस प्रश्न को भी नोट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, जैव संसाधन से क्या आशय है। जलवायु परिवर्तन के जैव संसाधनों पर प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। तो जैव संसाधन क्या है, ठीक है, और इसका जलवायु परिवर्तन का जैव संसाधन पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब जलवायु परिवर्तन होता है तो उसका जैव संसाधनों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसे बताना है। तो यह भी एग्जाम की दृष्टि से वीवीआई क्वेश्चन है, आप इसे भी नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में बंजर भूमि के विकास एवं प्रबंधन के उपायों का विश्लेषण कीजिए। तो एग्जाम की दृष्टि से यह वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस प्रश्न को भी नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न हमारा है, मिट्टी अपरदन के कारणों एवं प्रभावों का वर्णन करें। तो मिट्टी अपरदन यानी मृदा अपरदन के कारण और प्रभाव बताना है, ठीक है। तो एग्जाम की दृष्टि से यह भी क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, आप इन सारे प्रश्नों को नोट करते जाइए। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 7 नंबर का प्रश्न है, पारिस्थितिकी से क्या आशय है या पारिस्थितिकी से क्या तात्पर्य है। पारिस्थितिकी की संकल्पना की विवेचना कीजिए। तो आप इन सारे प्रश्नों को नोट करते जाइए, ठीक है। मैं जितना भी क्वेश्चन बता रहा हूँ एग्जाम की दृष्टि से सभी वीवीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला पर प्रकाश डालिए। तो पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है, मतलब इकोसिस्टम है, उसमें आहार श्रृंखला पर प्रकाश डालना है। तो आप इस प्रश्न को भी नोट कर लीजिए, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है, पारिस्थितिकी संतुलन को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। तो आप इस प्रश्न को जल्दी से नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये आने के बहुत संभावना रहता है, ठीक है, मतलब यह जो क्वेश्चन है आ ही जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने इस प्रश्न को लिया है। तो आप इस प्रश्न को नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 10 नंबर का प्रश्न है, समुदाय की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। जैव समुदाय की प्रमुख विशेषताओं का विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो आपको समुदाय की संकल्पना को स्पष्ट करना है, मतलब समुदाय किसे कहा जाता है, ठीक है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जैव समुदाय किसे कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी ऑनर्स कोर 5 में जैव संसाधन से रिलेटेड पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ होगा, जैव समुदाय की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए और इसकी प्रमुख विशेषताओं को बताना है, ठीक है। तो इस प्रश्न को भी नोट कर लीजिए, एग्जाम की दृष्टि से वीवीआई क्वेश्चन है, इसका आंसर इस चैनल में जल्द ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है, 1 से 2 दिन में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 11 नंबर का प्रश्न है, जैव विविधता को परिभाषित कीजिए। जैव विविधता अवनयन के प्रमुख कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो आपको जैव विविधता की परिभाषा देना है और अवनयन मतलब इसके ह्रास के क्या क्या कारण हो सकते हैं, क्या क्या कारण है, ठीक है, उसे बताना है। तो एग्जाम की दृष्टि से यह बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, जीवों से क्या आशय है। विश्व को प्रमुख स्थलीय जीवों में विभक्त कीजिए, इसमें से किसी एक जीवों की विस्तृत विवेचना कीजिए। तो आपको बताना है कि जीवों क्या है, ठीक है, यहाँ मतलब जीवों या बायोम क्या है, तो उसे बताना है आपको। और विश्व के प्रमुख स्थलीय जीवों में विभक्त कीजिए, मतलब जो जीवों होता है उसे विश्व के स्थलीय भागों में विभक्त करना है और उसमें से किसी एक का आपको विस्तृत विवेचना करना है। तो एग्जाम की दृष्टि से ये दोनों वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आप जरूर नोट कर लीजिए, ठीक है। तो आप इन सारे प्रश्नों को नोट कर लीजिए और जल्दी से इसका आंसर तैयार कर लीजिए। बाकी मैं जितना हेल्प कर सकता हूँ जरूर करूँगा, ठीक है, और कुछ कुछ जो इसका नोट्स है जल्दी ही अपलोड कर दूंगा चैनल में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।